नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको बताइएगा, इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल है, चारों ही तरफ चुनावी चर्चाएं हैं। कहीं भी अगर आप चले जाएंगे और 5 मिनट खड़े हो जाएंगे और जहाँ 4 लोग खड़े होंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर इस समय चुनावी चर्चाएं चल रही होंगी। इस समय मौजूदा आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर लगातार सर्वे कर रहे हैं। इस बार यहाँ पर पेचीदा मुकाबला है, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती चली आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ पर तीसरी बार जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ जीतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजकुमार चहार, लगातार उनका जनता विरोध कर रही है। इसी विरोध का फायदा विपक्षी पार्टियों को भी लगातार मिल रहा है। कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार, लगातार वो अपनी स्वजातीय मतदाताओं में सेंध लगा रहे हैं, तो वहीं बसपा से रामनिवास शर्मा भी अपनी स्वजातीय मतदाताओं में सेंध लगा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जीत से काफ़ी दूर ले जाने की स्थिति में यहां पर वर्तमान भाजपा विधायक फतेहपुर सीकरी विधानसभा से चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और उनकी वजह से ही यहाँ पर पेचीदा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार उनके जन समर्थन में जनता ही उनको चुनाव मैदान में लेके आई थी और लगातार उनका प्रचार प्रसार जो देखा जा रहा है, काफ़ी भीड़ उनके काफिले में चल रही है। कल भी उन्होंने एक रोड शो किया था, बहुत ही तादाद में लंबी लंबी गाड़ियों के साथ उनका रोड शो हुआ था। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव कचोरा में। बड़ी आबादी का गांव है और इस गांव के लोग क्षेत्रीय नेताओं से उनकी अच्छी पकड़ रहती है और इस गांव पर सभी प्रत्याशियों की नज़र भी रहती है। बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ के लगभग सभी लोग काफ़ी राजनीति में एक्टिव भी रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी जनता जनार्दन हमारे बीच मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है बाबूजी इस बार का फतेहपुर सीकरी में? 2024 के चुनाव में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी पुनः उतारा है राजकुमार चाहर, उन्हें पहले चुनाव में यहाँ की जनता ने बड़े लाड़ प्यार से 5 लाख वोटों से जिताया। 5 लाख वोट लेने के बाद राजकुमार चाहर अपने चुनाव क्षेत्र में 5 दिन के लिए भी उपस्थित नहीं हुए, कहीं भी अपने गांव में भी, अन्य क्षेत्र को छोड़िए, वो केवल फतेहपुर सीकरी विधानसभा में अपने गांव में भी नहीं पहुँचे। इसलिए भाजपा ने उनके वो 5 लाख की जीत देखते हुए शायद उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया और जनता ने विधायक बाबूलाल जी के बेटे रामेश्वर को जनता की तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए ज़बरदस्ती मैदान में उतार दिया है। रामेश्वर को जनता चुनाव लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको, बताइए कि लोकसभा का चुनाव, बड़ी पंचायत होती है और बड़ा क्षेत्र होता है, लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीतना आसान नहीं होता है, आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी निर्दलीय ताल उन्होंने ठोकी है, क्या लग रहा है कि वो यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? विधायक बाबूलाल जी और उनके परिवार की एक विशेषता रही है, इससे पहले बाबूलाल विधायक होने से पहले यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उससे पहले विधायक और मंत्री भी रहे हैं, इनके परिवार की विशेषता ये रही है कि ये जनता के दुख सुख में हर मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में अपना संपर्क बनाए रहे, और यही कमी मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर में है कि उन्होंने किसी के भी दुख सुख में, किसी के बेटी की शादी में कहीं कोई संपर्क नहीं किया। क्या लग रहा है बाबूजी इस बार क्या माहौल है फतेहपुर सीकरी का? अब की बार ये जो है रामेश्वर जी जीतेंगे। रामेश्वर चौधरी को आप वोट करेंगे, जीतेंगे तो आप वोट करेंगे, स्पष्ट हो गया है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा ये है, वो जनता के हर सुख दुख में हर समय साथ रहते हैं, यही विशेषकर जनता का यही मुद्दा है। कार्यशैली से प्रभावित हैं? बिल्कुल, चौधरी बाबूलाल जी का कार्यशैली इतनी अच्छी है जिससे जनता चुनाव लड़ा रही है उनको, वो स्वयं नहीं लड़ रहे, जनता ने खड़ा किया है उनको। जनता के कहने पर आए हैं वो चुनाव मैदान में? जी, जनता के कहने पर वो चुनाव मैदान में आए हैं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता उनको लड़ा रही है। पहले भी एक बार वो निर्दलीय जीत चुके हैं, इस बार भी वो निर्दलीय जीतेंगे।
क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में किसका माहौल दिख रहा है आपको? रामेश्वर चौधरी का। 2019 में किसको वोट किया था? जब तक बीजेपी के करियो। और आप किसे करेंगे? रामेश्वर चौधरी को। 5 साल बाद आपने अपना मत बदल लिया, ऐसा क्यों बदल दिया? वो गांव में आया नहीं बिल्कुल, चार साहब काऊ गांव में ना आया बिल्कुल, इस वजह से इस बार नाराजगी है। नाराजगी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है चाचा इस बार किसको वोट करेंगे? भैया बाबूलाल जी नहीं करेंगे। जबरदस्ती कोई करवा रहा है कि अपने मन से ही करेंगे? मन से ही करेंगे। मन से ही है ना। क्या लग रहा है बाबा इस बार किसका माहौल है फतेहपुर सीकरी में? बाबूलाल का। तो बाबूलाल को ही क्यों वोट करेंगे? और भी 3 प्रत्याशी हैं, रामनाथ सिकरवार, कितने अच्छे प्रत्याशी हैं, फौजी हैं, देश की सेवा करके आए हैं। नहीं साहब, हमारी तो वो कह रही है बाबूलाल। अच्छा, पसंद है वो आपको, है ना? क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? ये रामेश्वरी हम आ जाए तो अच्छा। राजकुमार जीते के बाद कहूँ गाँव में आयु ना अभी तक। क्या लग रहा है भैया? डॉक्टर रामेश्वर जी क्लियर जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप? जमीनी नेता हैं वो, हकीकत में जनता के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए जीते हैं। भाई ऐसा ही आदमी चाहिए ना। हाँ, कार्यशैली से प्रभावित हैं। क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? भैया डॉक्टर रामेश्वर वोट देंगे, बाय नहीं देंगे। पहले वोट खूब दे ले हमने भाई, वो ना दर्शन देवान से धन कमावे को दूसरों काम ना करो, सिवाय दलाली के अलावा कोई काम ना करे। हम आज तक पूरे पहले पूरे कचोरे ने भाई वोट दे, कोई काम नहीं कराया आपकी ग्राम पंचायत में? कोई बीजे को आज तक यहाँ थे जमुना तक ही ना करायो, यहाँ हमारे गाँव ही तो गजला जमुना तक काम ना कराया, कोई बार आयो ही ना है काम तो जब करावे को। क्या लग रहा है भैया इस बार? भैया रामेश्वर बिल्कुल पार होके जा रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको पार हो रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? ऐसा है विकास है और देश अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने और मेहनत का फल बीजेपी नहीं दिया, फिर भी वो बीजेपी या ये समझ लो बीजेपी से लड़ रहे हैं। राजकुमार चार लगातार कह रहे हैं कि मैं नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे काम अपने लोकसभा में कराए हैं जो आज तक किसी सांसद ने नहीं कराए। 4,000 करोड़ की योजना लेके आए हैं और आलू अनुसंधान केंद्र लेकर आए हैं, अटल आवासीय योजना के थ्रू एक कॉलेज बनवाया है, ITI कॉलेज बनवाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि गिना रहे हैं वो इसको अपनी। भैया ये तो प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये जल योजना है वो प्रधानमंत्री की है, जो यहाँ संसद बनाया है वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया है। वो तो होना ही था। ये तो अपन ऊपर बस श्रेय ले रहे हैं, टोपी रख रहे हैं। क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? भैया रामेश्वर चौधरी आवेगो यहाँ छोरी तो वो तो आवेगो नहीं, वो तो ठगो और चोर हुए। मैं बताऊँ तो मैं आज तलक 5 वर्ष में पाम नहीं दो माने, या हमारी सड़क को ना सुमारे को, हमने तमाम एप्लीकेशन दी सब मान कर खा करवा दी, हमारी 6 माह टोली नाली भारी सड़क की बनी, नाली तेई सड़क की बनी, बहुत संगई नाली नहीं उखाएगा बुन। राजकुमार चाह आधा अधूरा विकास कराया है, विकास तो हुआ लेकिन आधा। अरे भैया बाको थोड़ो विकास, बाको थोड़ो प्रधानमंत्री को जी आयो ही ना है विकास का बादल में जो थो वर्ष है को बिल्कुल आयो ही ना 5 साल बिल्कुल कहीं। तो इस बार क्या लग रहा है बाबूजी इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? यार रामेश्वर चौधरी जीतेगा यहाँ से, तो बाबूलाल को लग रहा है निर्दलीय जीत पाएंगे? निर्दलीय धुआंधार वोट हुआ है। हाँ जी, कोई कमी नहीं जी बिल्कुल। हाँ क्या लग रहा है इस बार? रामेश्वर चौधरी जीतेंगे, पार हो जाएंगे बिल्कुल। क्या लग रहा है जी? रामेश्वर चौधरी कोई जबरदस्ती तो नहीं दिलवा रहा वोट आपसे? जबरदस्ती का ही दबाव कोई। अच्छा हाँ। चलिए क्या लग रहा है इस बार? राजा जी सौदा भैया बाबूलाल देंगे भैया। अच्छा हाँ। क्यों बाबूलाल क्यों देंगे? राजकुमार चार के देना, रामनाथ के देना है ज्यादा की लगे ठीक है ज्यादा की भैया। हाँ ठीक है ज्यादा की ठीक है ज्यादा की। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। किसका माहौल है फतेहपुर? रामेश्वर को जीत जाएंगे लग रहा है। जीतेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सभी मुद्दा है। और क्या लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रामेश्वर जी का माहौल है और ये निर्दलीय पक्का 100% जीतेंगे और ये जनता से जुड़े हुए हैं, इनके पापा जी ने भी बहुत अच्छी सेवा की है और ग्रामीणों से बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, हर आदमी के दुख दर्द में वो शामिल हुए हैं और राजकुमार चार जी का तो उन्होंने किसी भी तरीका का कोई विकास नहीं कराया है। क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? रामेश्वर जीत जाएंगे जी बिल्कुल। क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? रामेश्वर। क्या लग रहा है?
फतेहपुर सीकरी में किसकी लहर दिख रही है? है? फतेहपुर सीकरी में कौन जीतने वाला है? कौन जीते लड़ेगा वही जीता, पर तू जाके लड़ेगा। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार? बाबूलाल जी तो रामेश्वर चौधरी जी की ज्यादा। अच्छा कैसे लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है, कैसे जीत पाएंगे वो? यूँ जीत पाएंगे कि अगर राजकुमार चहार जी पंचवर्षीय योजना में अगर एक आध बार जनता के बीच में आ जाते तो उनका थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाता, समझ रहे? पर लेकिन हमारे विधायक जी जो बाबूलाल जी हैं वो भी हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, समझिए, और वो हमेशा जुड़े हुए हैं, और उनका हमारे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में उनका वर्चस्व अच्छा है, और गरीबी के लिए खूब कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि कोई काम खराब होता है तो होने नहीं देते, सबको समान समझ के सबको समान तरह कर रहे, इसलिए वो उनका वर्चस्व अच्छा है, इसलिए राजकुमार चार जी। क्या लग रहा है बाबू जी इस बार? कौन जीतेगा यहाँ पर आपके यहाँ? हमारे यहाँ रामेश्वर जीतेगा सा। पक्की है? पक्की है। हमारे गांव में आशीर्वाद दे दिया है? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर आपके गांव में किसका माहौल है? बाबूलाल पूरा पूरा गांव दे रहा है एक तरफा? बिल्कुल। क्या लग रहा है सा? तो दे दी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से बातें की हैं और लगातार सभी का कहना है कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कचोरा में जो माहौल है, अधिकतर जनता का कहना है कि इस बार यहाँ से डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के पक्ष में अधिक से अधिक लोग यहाँ पर वोट करने की उन्होंने अपनी मानसिकता बना ली है, और सभी का कहना है कि 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार चहर को वोट किया था, लेकिन लगातार उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं, और यही नाराजगी है, और इसी नाराजगी की वजह से इस बार वो राजकुमार चहार के विरोध में वोट करते हुए डॉक्टर रामेश्वर सिंह को जिताने का यहाँ पर ये सभी लोगों ने मन बना लिया है और वोट भी करेंगे, और भी काफ़ी लोग हैं उनका भी मन जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।